इस फिल्म के सभी कलाकारों के नाम बदल दिए गए हैं, तो आराम से हेडफोन लगाइए और वीडियो कम मचा लीजिए। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में। एक आदमी जिसे बैंग बैंग वाली वीडियो देखने की आदत है, वो कई लड़कियों के साथ बैंग बैंग कर चुका है, मगर वीडियो जैसा मज़ा उसे रियल लाइफ में नहीं मिल पाता। एक दिन उसकी लाइफ में एक लड़की आती है जो आसानी से उसके साथ बैंग बैंग नहीं करती, जिस वजह से उसे अपनी डेली की आदत बदलनी पड़ेगी। क्या वो ऐसा कर पाएगा, ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले, जो भी हमारी वीडियो पर सबसे अच्छे कमेंट करेगा उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रमोट करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए चलते हैं मूवी की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में हम जैकी नाम के लड़के को देखते हैं जो बैंग बैंग वीडियो देखने का आदी है। उसे वीडियो देखकर पानी निकालना पसंद है। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, उसकी बॉडी जिसके लिए वो रोज़ जिम जाता है, फिर उसका घर जिसकी वो रोज़ सफाई करता है, और उसकी फैमिली। जैकी बार टेंडर का काम करता है, इसलिए उसे लड़की की कोई कमी नहीं होती। वो हर वीकेंड नई नई लड़कियों को अपने घर लाकर उनके साथ बैंग बैंग करता है। बैंग बैंग करने के बाद भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, इसलिए वो वीडियो देखकर पानी निकालता है, जिसके बाद वो सेटिस्फाई फील करता है, और वो ऐसा हर बार करता है। एक दिन बार में उसे रेड ड्रेस में लड़की मिलती है। वो उसके साथ डांस करके उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगता है और बैंग बैंग करने के लिए पूछता है, लेकिन वो लड़की ऐसी नहीं थी, इसलिए वो उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जैकी दूसरी लड़की को पटाता है और उसके साथ बैंग बैंग करता है। उसके बाद हमेशा की तरह वो अपना लैपटॉप खोलता है और पानी निकालता है। अगले दिन वो चर्च जाता है। उसने कितनी बार बैंग बैंग किया और पानी निकाला ये बताता है और गॉड से माफ़ी मांगता है। अब वो फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। उसके फादर से उसकी बहस हो जाती है और हम उसकी बहन को देखते हैं जो हमेशा फ़ोन में लगी रहती है। रात को फिर से जैकी अपना लैपटॉप खोलता है और वीडियो ढूंढने में 2 बजा देता है। सुबह उसके दोस्त आते हैं जिन्हें वो बताता है कि कल रेड ड्रेस वाली लड़की उसे बहुत पसंद आई थी। उसका नाम पता करने के लिए वो उसी बार में जाता है, सबसे पूछताछ करता है, फिर उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम बुलबुल है। इसके बाद बुलबुल उसे फेसबुक पर मिल जाती है। उसे लंच के लिए बुलाता है और अगले दिन बुलबुल वहाँ आती है। दोनों बात करते हैं, फिर बुलबुल जैकी को रोमांटिक मूवी दिखाने ले जाती है। जैकी को मूवी वगैरह देखना बचकानी हरकत लगती है क्योंकि वो उन वीडियो का दीवाना है। मूवी ख़त्म होने के बाद दोनों किस करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर दोनों डेट पर जाते हैं जहाँ जैकी बैंग बैंग करने की कोशिश करता है, लेकिन बुलबुल उसके साथ सीरियस होना चाहती है। जैकी से चिपक चिपक कर कहती है, पहले मुझे तुम्हारी फैमिली और दोस्त से मिलना है और तुम एक अच्छा सा कोर्स कर लो ताकि तुम्हें अच्छी सी जॉब मिल जाए। बुलबुल के साथ चिपकने से जैकी का पैंट में ही माल निकल जाता है। जैकी उसकी बात मान लेता है और उस रात बुलबुल की फ़ोटो देखकर अपना पानी निकालता है। आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या चाहता है। फिर जैकी बुलबुल को अपने दोस्तों से मिलवाता है और उसकी सहेलियों से भी मिलता है। वो ये बात अपनी फैमिली को भी बता देता है कि वो बुलबुल नाम की लड़की से प्यार करता है, जिस पर उसकी मदर बहुत खुश होती है। इस तरह जैकी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन बुलबुल के साथ उसने वो नहीं किया। फिर क्लास के वक्त जैकी को बुलबुल का फ़ोन आता है। वो बताते कि आज रात वो उसके घर आ रही है, जिस पर जैकी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्लास के गेट पर अंजलि नाम की लड़की रो रही होती है, लेकिन जैकी उसे इग्नोर करके अपने घर जाता है और आखिरकार वो बुलबुल के साथ बैंग बैंग करता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इसीलिए वो वीडियो देखने लगता है। लेकिन तभी बुलबुल उसे देख लेती है और उस पर बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैकी उसे समझाता है कि वो उसके दोस्तों ने मजाक में भेजी है और वो कभी वो वीडियो नहीं देखेगा, जिस पर बुलबुल मान जाती है। लेकिन जैकी की आदत थी, इसलिए वो अब लैपटॉप छोड़कर फ़ोन में ही वीडियो देखने लगता है। लेकिन एक दिन क्लास में उसे अंजलि पकड़ लेती है। अंजलि जैकी को उससे बात करती है, लेकिन जैकी से वो इग्नोर करता है। इसके बाद वो बुलबुल को अपनी फैमिली से मिलवाता है। सबको बुलबुल बहुत पसंद आती है। फिर दोनों चर्च आते हैं। जैकी बताता है कि क्या क्या उसने उसी दिन। क्लास के बाद अंजलि जैकी को एक अडल्ट बुक देती है, लेकिन जैकी कहता है उसके पास गर्लफ्रेंड है और उसने वीडियो देखना बंद कर दिया है। जैकी और बुलबुल सामान लेने जाते हैं, जहाँ जैकी सफाई का सामान लेना चाहता है। लेकिन जब बुलबुल को पता चलता है कि वो खुद सफाई करता है, वो उसे मना करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि जैकी को सफाई करना पसंद है। क्लास के बाद अंजलि जैकी से नोट्स मांगती है। इसी बीच वो जैकी से उसकी गर्लफ्रेंड और फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर जैकी को गुस्सा आता है और वह नोट्स छीनकर वहाँ से चला जाता है। जब वो घर जाता है तो बुलबुल गुस्से में बैठी होती है क्योंकि उसने उसकी हिस्ट्री देख ली थी। जैकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन बुलबुल जैकी से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो जी भरकर वीडियो देखता है और पानी निकालता है।
और उसे सिंगल लाइफ अब बेस्ट लगती है। वो अपने दोस्तों और फैमिली को बता देता है कि उसका बुलबुल के साथ ब्रेकअप हो गया है। कुछ दिन बाद वो अंजलि के साथ उसकी कार में बैंग बैंग करता है। फिर वो अंजलि को बताता है कि उस वीडियो की वजह से बुलबुल से उसका ब्रेकअप हो गया, जिस पर अंजलि कहती है एक भी दिन ऐसा है जिस दिन तुमने बिना वीडियो देखे पानी निकाला हो। जिस पर जैकी कहता है उसकी ये आदत नहीं है, वो तो उसको पसंद है इसलिए वो देखता है। इसके बाद जैकी अपने आप को वीडियो देखने से रोकता है। फिर वो अंजलि के घर जाता है और बताता है आज उसने वीडियो नहीं देखी लेकिन वो पानी भी नहीं निकाल पाया। अंजलि उसे समझाती है कि उसे वीडियो देखना इसलिए पसंद है क्योंकि उसने कभी अपने पार्टनर को नहीं समझा, वो केवल मजे के लिए बैंग बैंग करता है। फिर अंजलि कहती है चलो नहाने चलते हैं। जब जैकी नहाने जाता है तो अंजलि रोने लगती है। नहाने के बाद जैकी अंजलि से पूछता है कि तुम रोती क्यों हो, जिस पर वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बताती है कि उसका पति और बेटा एक एक्सीडेंट में मर गए। इस चीज़ का उसे आज भी दुख होता है। इसके बाद दोनों बैंग बैंग करते हैं और इस बार जैकी फुल एंजॉय करता है, ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। इसके बाद वो खुश रहने लगता है और उसने बैंग बैंग वाली वीडियो देखना भी बंद कर दिया है। इस बार वो चर्च में ये भी बताता है अब पहले की तरह वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और अंजलि को डेट भी। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।